आज अपन क्या करेंगे कि पहली क्लास है तो अपन सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही करते हैं कि क्या होता है न्यूट्रिशन। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहेंगे आगे आगे। जैसे कि तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिशन वर्ड है इसी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि न्यूट्रिशन ही क्या होता है। तो जब छोटे होंगे तो सबके मन में सवाल तो ज़रूर आया होगा कि अपन खाना ही क्यों खाते हैं, वाई वी इनटेक फूड। ठीक है, मेरे मन में तो आया था। तो इसी चीज़ के लिए जब आगे पढ़ा तो पता लगा कि वी नीड फूड फॉर थ्री मेन रीजन्स, यानी कि हमको मुख्यतः तीन कारणों से फूड की या भोजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कारण क्या है इसका, टू सप्लाई अस विद फ्यूल और एनर्जी, यानी कि भोजन अपने को ऊर्जा या ईंधन की आपूर्ति करता है। ऊर्जा या ईंधन थोड़े मैकेनिकल टाइप के से वर्ड हो गए। हाँ, तो जैसे अपना शरीर भी एक मशीन ही तो है, जिस प्रकार से बाइक को पेट्रोल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार अपने शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो अपन किस रूप में लेते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा के रूप में। ठीक है, तो इसका अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे अपन एनर्जी को भी अपन मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा को। तो दो पार्ट कौन से हो गए, सबसे पहला होता है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जो आपको जिंदा रखने के लिए या जागृत रखने के लिए या फिर आपको हल्का गर्म रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है आपकी BMR। ठीक है, दूसरी होती है आपकी वर्क के अकॉर्डिंग एनर्जी, कि आप कौन सा वर्क कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके अनुसार आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और ये दोनों मिलकर बनती है टोटल आपकी रिक्वायरमेंट एनर्जी। ठीक है, तो अपन इसमें सेकंड पॉइंट है टू प्रोवाइड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। तो जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि शरीर की संरचना कैसे होती है, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और कोशिका मिलकर बनती है ऊतक यानी कि टिश्यूज़। तो जो शरीर में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, टिश्यूज लेवल पे। ठीक है, तो ऊतकों की मरम्मत व विकास के लिए, तो विकास और मरम्मत कैसे, जैसे कि आप कोई भी वर्क कर रहे हो, आपने हार्ड वर्क किया, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि शरीर में हर टाइम काफ़ी ऊतकों में डैमेज होता है, काफ़ी ऊतक नए बनते रहते हैं या उन पर विकास होता रहता है। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली इन टीनेज, यानी कि आप जब वयस्क होते हो तब सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए होती है कि इंसान की बॉडी डेवलप कर रही होती है, उसकी हाइट में, उसके वेट में, उसकी बॉडी टाइप में ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, उस टाइम सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है कि टू हेल्प प्रिवेंट डिजीज एंड कीप अवर बॉडीज हेल्थी, यानी कि रोगों के रोकथाम के लिए, उपचार के लिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अपने को फूड की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया इसके तीन रीज़न। पता लग गया सबको कि अपन खाना क्यों खाते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो इसकी कुछ डेफिनेशन एंड नरिशमेंट इंक्लूडिंग फूड कंपोजिशन, डाइटरी गाइडलाइन एंड द रोल दैट वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैव इन मेंटेनिंग हेल्थ, यानी कि अगर इसको हिंदी में समझे तो भोजन एवं पोषण तत्व, आहार के दिशा निर्देशों एवं विभिन्न पोषण तत्वों की स्वास्थ्य में भूमिका का वैज्ञानिक अध्ययन ही पोषण कहलाता है। यानी कि जो भी अपन भोजन ले रहे हैं या जो भी अपने आहार से रिलेटेड गाइडलाइंस दी हुई है और जो अपने मैंने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि उनकी स्वास्थ्य में क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, इसका साइंटिफिक अध्ययन ही पोषण कहलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। इसमें अपना आता है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यानी कि खेल पोषण के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, खेल पोषण के अंतर्गत बात करें तो अपन बात करेंगे, एक खिलाड़ी की बात करेंगे, तो इसमें बात करते हैं अपन कि रिकमेंडेड बैलेंस डाइट फॉर एवरेज स्पोर्ट्स पर्सन इज, यानी कि जो एवरेज स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके लिए
कौन सी बैलेंस डाइट रिकमेंडेड की जाती है? तो उसमें आता है बैलेंस डाइट में मेनली अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के परसेंटेज की, बाकी तो माइक्रो होते हैं तो उनका क्वांटिटी बहुत काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले तीनों की। तो क्या होगा सर क्वांटिटी? तो 55-60% होगा आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद नंबर आता है फैट का, क्योंकि फैट क्या काम करता है, वो स्टोर एनर्जी होती है फैट, यानी कि जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो आपकी फैट को कन्वर्ट करके एनर्जी में काम लिया जाएगा। और दूसरा फैट का काम क्या होता है, जैसा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था जिसमें बताया था मैंने कि फैट क्या करते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ्टी प्रदान करते हैं या सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फैटी टिश्यूज के बारे में बताया था तो वही फैट हो गया। ठीक है, जैसे अगर आप देखो वीडियो देखना कहीं पे, उसमें दे रखा होगा कि फैट लीवर के चारों तरफ फैट होता है, अगर लीवर के चारों तरफ फैट ना हो तो फिर कौन सी डिजीज आती है शरीर में, फ्लोटिंग किडनी। अपने शरीर में जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनके चारों ओर फैट की लेयर होती है, अपनी बॉडी में स्किन के नीचे भी फैट की लेयर होती है, जिससे क्या होती है वो बाहरी आघात से शरीर के अंगों को बचाती है, इसलिए फैटी भी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है फिर अपनी प्रोटीन, वो होती है 10-15%। ठीक है, तो प्रोटीन का काम करता है आपके शरीर के ऊतकों की मरम्मत करने में काम आता है, जो भी आपके टूट फूट होती है शरीर के ऊतकों के अंगों में उसको रिपेयर करता है और ग्रोथ करता है, जैसे कि आपकी मसल्स को ग्रोथ करने में काम आएगा। तो ये जो भी जितने भी परसेंटेज मैंने बताई है ये क्या है, एवरेज है, यानी कि लगभग है, कन्फर्म नहीं है कि 50-60 ही दी जाए। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट की और उसका वर्क भी ऐसा है तो उस कंटेंट को आंशिक रूप पे बढ़ाया भी जा सकता है, कहीं पे आपको 55-65 भी मिल सकता है या 60-70 भी मिल सकता है। तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, ये क्या है एक एवरेज रेट चलती है जो फिक्स नहीं है। अब ये ऐसा है क्यों है, फिक्स क्यों नहीं है, इसका भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और दूसरी बात आती है रिकमेंडेड बैलेंस डाइट फॉर मोर स्ट्रेनियस एथलीट, यानी कि जो अच्छे लेवल के एथलीट होते हैं या जिसे अपन नॉर्मल कहे कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एथलीट होते हैं, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेड किया जाता है, तो उनके लिए रिकमेंड किया क्या जाएगा, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसी ज़्यादा होगी 70% कार्बोहाइड्रेट। क्यों ऐसा, इसलिए कि जो अच्छा एथलीट होता है बहुत अच्छे लेवल करते हैं कि वो प्रैक्टिस भी उतनी ही करते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा एथलीट या जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और एनर्जी का इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। फिर अगर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा की है तो फिर किसको कम करेंगे, आपके फैट को, तो फैट का वैल्यू आ जाएगा फिर 15-20% फैट हो जाएगा। और फिर आता है नंबर प्रोटीन का, वो एज इट इज रहेगा 10-50%, क्योंकि दोनों में सेम प्रोसेस होती रहती है मरम्मत की। आगे चल के देखते हैं अब कि अब बात करते हैं कि जो एवरेज है वो फिक्स क्यों नहीं है, निर्धारित क्यों नहीं है। अब इसको डिफाइन करने के लिए जैसे कि ईच स्पोर्ट्स पर्सन विल हैव डिफरेंट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स डिपेंडिंग ऑन, यानी कि हर खिलाड़ी की अलग अलग आहार्य मांग होती है, भोजन से रिक्वायरमेंट होती है, वो किस पर निर्भर करता है, सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रेनिंग एज, यानी कि उसकी एज क्या है, उम्र क्या है, ट्रेनिंग प्रशिक्षक की आयु क्या है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल, जैसे कि तुलनात्मक देखा जाए तो पुरुष की जो शरीरीय आकृति होती है उसका स्ट्रक्चर होता है वो सुडोल होता है या थोड़ा जटिल होता है, इसलिए महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट होता है बॉडी साइज, यानी कि उसकी शरीर की आकृति कैसी है एथलीट की, अगर उसकी आकृति हाइट ज़्यादा है और शरीर भी सुडोल है तो उसको एक कम हाइट वाले और दुबले पतले इंसान से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और तो उसकी डाइट भी फिर अलग होगी। तो
तुलनात्मक बताया मैंने ये, किसी पे ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव वैल्यू ले जाओ, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि अगर आपका एज भी सेम है, सेक्स भी सेम है, आप सेम खेल भी खेल रहे हो और सेम कंडीशन में भी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी साइज भी मैटर करती है कि बॉडी साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट का प्लान किया जाएगा। तीसरा था स्पोर्ट प्लेट, कि आप कौन सा खेल खेल रहे हो। तो आप जैसे कि पता होगा आपके, मैंने बताया था ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जैसी चीज़ें बताई थी, तो स्पीड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ही होती है आपकी। इनके अंदर जैसे कि आप देखते हो कि जो मेनली गेम होते हैं 10 सेकंड तक जिनका गेम होते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, 100 मीटर स्प्रिंट हो गया, जो तेज़ खेल होते हैं उनमें क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा एक साथ इंस्टेंट एनर्जी होती है, तो उनमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा की जाती है। दूसरे नंबर पर आए तो फिर अपन बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर की, तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा फैट की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं अपनी डाइट में प्री इंस्टेंट, तो जस्ट मैच के पहले तो वो भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रखेंगे, लेकिन फिर वो जैसे आजकल आपकी ट्रेनिंग हो तो आप 7 दिन पहले से फैटी फूड लेने लग जाओगे मच क्वांटिटी में, वो क्योंकि वो स्टोर हो जाएगा। फिर जब आप प्ले करोगे, खेल खेलोगे कोई भी, आप जैसे आप मैराथन रनर ही हो तो आपको ड्यूरिंग कंपटीशन के ये चीज़ें काम आएगी, क्योंकि आपकी स्टोर एनर्जी नहीं होगी तो आप फिर क्या प्रोटीन का नंबर आएगा, तो फिर आपके शरीर में इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब चौथा पॉइंट हो गया क्लियर अपना, तो अपन चलते हैं पाँचवें पॉइंट में। अपना फिफ्थ पॉइंट है एनवायरनमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, यानी कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण का और आपकी प्रतियोगिता का वातावरण कैसा है, वातावरण जैसे कि आपका क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, ठीक है, समर में हो, कोल्ड में हो, या फिर आप अराइड में हो यानी कि आर्द्रता वाले मौसम में हो, तो उसी हिसाब उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो ये मैंने बता दिया आपको रिक्वायरमेंट फैक्टर जो आपके अफेक्ट करते हैं किसको, डाइट प्लान को। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, बात आती है ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जैसे कि संतुलित आहार, तो इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो अपन ब्रीफली पढ़ते हैं इसके बारे में कि बैलेंस डाइट इज ए कंपोज ऑफ द राइट अमाउंट ऑफ, यानी कि बैलेंस डाइट एक मिश्रण है राइट अमाउंट ऑफ यानी कि उचित मात्रा किस किस की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड डाइट्री फाइबर्स, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट जिनको अपन लिपिड भी कह सकते हैं, और तीसरा आता है प्रोटीन, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन, और आपका हो गया फिर वाटर एंड डाइट्री फाइबर। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में से, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे। आज की साउंड इफेक्ट दिख के जो भी आपको इशूज हुई है, टेक्निकल इशूज, आप प्लीज़ मुझे बताना जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू टुमारो।